नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को जी5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बताती है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसवाल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के तकड़ी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते हैं क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनुगुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमाटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने की बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुनूनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्ट्रेलर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीट कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, ये घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और हानबूझकर भागता है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है। अगर वो माफ़ी मांगेगा आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन को की डब्ल्यू में एक डर और पति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भूमिका होती है आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुम्या बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मंदर के रूप में, नील फक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्य और लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डबरूल के रूप में, डी जैक्सन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पुरुष पहाड़ के ये भविष्य मालविक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमदाबाद जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। के लिए उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे मापते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोसकर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। प्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर खरीद करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसोल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गया है। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मामला मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और वनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर तैयार करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के नौकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते हैं क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और वनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमाटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समोसा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को टकरोर अपनाओं को व्यक्त करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन उसे माफ़ी मांगने के उसके इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और हनबूझ कर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। नथ पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन को की डब्ल्यू के में एक डर और पति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन के साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छेड़छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका भूमिका होती है। आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुमिया बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह सुसुप मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मुंदर के रूप में, नील फोकसोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विजल गुप्ता आर्य और लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय करोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मुन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी जैक्सन क्लास के नेटफ्लिक्स का टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पूर्व सुपरहिट के ये भविष्य मलविक मॉरिशस ओमन पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। हामिद बस जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। स्लच अपने नाटक के सीधे धीजे मापते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने के एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। प्लस अधूरे लग रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे बहू से एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बताती है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नजर रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौला मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला का उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे बहू से एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता लाता है जहां वो बताती है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेरेसोल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए से एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला का उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाते हैं। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शिव कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को टकरोर अपनाओं को व्यक्त करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के उसके इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है ये घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फोन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और हाथ बोझ कर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी देश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन के साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भूमिका होती है आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कल्ला के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कल्ला के रूप में, कृष्णा सुमिया बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना महना के रूप में, केतन सिंह सुसुप मुंजर के रूप में, शालीन तलिथीप अफरोज मंदर के रूप में, नील फोक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्य लबलार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय करोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर चित्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी जैक्सन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पुरुष सुपरहिट के ये भविष्य मल्बिक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमेरिका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमियत पर जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे समाप्त है और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने के एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी, स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे दो आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। प्लस्ट अधूरे लग रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के तकनीक होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नजर रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और मनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन में कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे बहू से एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए से एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और वरुण गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमाटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्लेस को टकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के उसके इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है ये घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फोन फैन को 5 सेकंड भी देकर छुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो बताता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है। अगर वो माफ़ी मांगेगा आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशल की डब्ल्यू के में एक डर और पति की बेटी की शादी के मड़फन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छेड़छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उष्ट भूमिका ज्योति आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद और सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, रितु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, हुमा कृष्णा सुम्या बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मुंदर के रूप में, नील फोक्सोर मागू कुमार परमिकी के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्यर लवियार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी जैक्सन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 फूड सुपरहिट की। ये ब्राजील, मालदीव, मॉरिशस, ओमान, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमदाबाद जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे व्याप्त है और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोसकर आज़ादी नहीं दी, स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसॉल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के तनकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गया है। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मॉल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और मनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अपहरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हमला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और मनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पार्लर 2.5 की 5 स्टार दिया और लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लेम्बी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समुच्चय दिखता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठुकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन उसे माफ़ी मांगने के उसके इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, ये घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फोन फ्रेंड को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने संशयों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और हनबूझ कर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर यह आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया। आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शोको क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यूएन के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है। अरबपति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है। हालांकि गौरव बच जाता है। छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसका भूमिका होती है। आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद और सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुम्या बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना महगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मंदर के रूप में, नील फोक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी गुजल गुप्ता आर्य और लवलार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिथोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मुन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी सेक्शन क्लास के नेटफ्लिक्स का टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 फूड सुपरहिट के ये भविष्य मलबिक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। हामिद बस जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारा दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। के लिए उदाहरण के लिए फारूक जो आवारा की तरह रहता है कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे घुमाते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है। सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक हम बने हैं। प्लस्ट अधूरे लग रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स है होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता लाता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेरेसोल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते हैं क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनुगुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानदायक जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर टाइप करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के तनकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनुगुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमाटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुम्मी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समोछाव लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय ट्रेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने माँ से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को टकरोर अपना होकर बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहाँ आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और हनबूझ कर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया। आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है। अरबपति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उष्टा भूमिका चौथी आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुमिया बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मुंदर के रूप में, नील फोक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्य और लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय करोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजल क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी सेक्शन क्लास के नेटफ्लिक्स का टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पुरुष सुपरहिट की। ये भविष्य मल्बिक मॉरिशस ओमन पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमेरिका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। हामिद बस जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारा दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं के लिए। उदाहरण के लिए फारूक जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। स्लज अपने नाटक के सीधे नतीजे मापते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। प्लस अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसॉल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नजर रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और वनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और वनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुनूनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समोछाव दिखता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीट कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठकरोर अपनाओं को व्यक्त करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देर पर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आयरन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आयरन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन के साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छेड़छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उष्टा भूमिका होती है। आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, रितु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुमिया बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह सुबसुब मुंजर के रूप में, शालीन तलिथीप अफरोज मंदर के रूप में, नील फक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विजल गुप्ता आर्य लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिथोरी के रूप में, निजर चित्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मुन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी सेक्शन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पुरुष सुपरहिट की। ये भविष्य मल्बिक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। हामिद पर जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारा दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। के लिए उदाहरण के लिए फारूक जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और डिशो में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे समाप्त है और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी, स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के तनकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनुगुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे बहू से एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसवाल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए से एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है, अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनुगुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दिया और लंबा सिनेमाटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समोसा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुलझाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आयरन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आयरन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके पति रूप के एक और हनबूझ कर भाई लगता है, जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फ़ोन आता है जो बताता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है। अगर वो माफ़ी मांगेगा आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है। हालांकि गौरव बच जाता है। छेड़छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है जिसके परिणाम सर्वोत्कृष्ट भूमिका होती है। आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईसा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, रितु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुमिया बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथिप अफरोज मंदर के रूप में, नील फक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्यर लवलार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी जैक्सन क्लास के नेटफ्लिक्स का टॉप 10 टीवी शो इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पुरुष सुपरहिट की। ये ब्राजील, मालदीव, मॉरिशस, ओमान, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमेरिका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमदाबाद जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे समाप्त हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है। सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोसकर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को जी5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता लाता है जहां वो बताते हैं कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेरेसोल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के तनकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे और मोटे तौर पर मतामना कर देती, क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनुगुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को स्वतंत्र करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए से एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा मोटे तौर पर मतामना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनुगुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को स्वतंत्र करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला की होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दिया और लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा रखता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय ट्रेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शिव कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर सुलझाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर यह आर्यन को गौरव का फोन आता है जो बताता है कि उसने क्या किया। आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू के में एक डर और पति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है। हालांकि गौरव बच जाता है। छोड़ छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसका भूमिका होती है। आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुम्या बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मुंदर के रूप में, नील फकसोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्य लवलार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी सेक्शन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पूर्व सुपरहिट के ये भविशील मलबिक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमियत पर जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक जो आवारा की तरह रहता है कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे मापते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है। सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोसकर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे बहू से एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेरेसोल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के तकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर तैयार करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्ट्रेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समोछा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय ट्रेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने माँ से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, ये घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो बताता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है। अगर वो माफ़ी मांगेगा आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन को डब्ल्यू के में एक डर और पति की बेटी की शादी के मुड़फन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छोड़ छाड़ के घटना को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उष्टा भूमिका होती है। आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुम्या बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मंदर के रूप में, नील फक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विजल गुप्ता आर्य लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी सेक्शन क्लास के नेटफ्लिक्स का टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पूर्व सुपरहिट के ये भविष्य मलबिक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमदाबाद जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं के लिए। उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे मापते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे शख्स है जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है, जहां वो बताती है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है, जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसॉल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के तकड़ी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नजर रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है, जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण जब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले है और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को संतुलित करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे बहू से एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले है और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को संतुलित करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमाटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने माँ से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के उसके इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, ये घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसक को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। नथ पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो बताता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशल की डब्ल्यू के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है। अरबपति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छेड़छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उष्टा भूमिका ज्योति आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, ऋतु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुनिया बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथीप अफरोज मुंदर के रूप में, नील फोक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विजल गुप्ता आर्य लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर चित्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी जैक्सन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पूर्व सुपरहिट की। ये भविष्य मल्बिक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमदाबाद जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे नतीजे में मापते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। प्लॉट अधूरे लग रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स है होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे वो उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नजर रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हमला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और मनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को संतुलित करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर खरीद करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसॉल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते हैं क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को संतुलित करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दिया और लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुनूनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाते हैं। उसे अपने मां से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठकरोर अपनाओं को व्यक्त करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आयरन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आयरन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप को एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन के साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भूमिका ज्योति आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और इसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, रितु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुम्या बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह सुशुभ मुंजर के रूप में, शालीन थी अफरोज मंदर के रूप में, नील फोक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्यर लबलार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी सेक्शन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पूर्व सुपरहिट की। ये ब्राजील, मालदीव, मॉरिशस, ओमान, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमेरिका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमदाबाद जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे धीजे समाप्त है और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्मजागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोस कर आज़ादी नहीं दी, स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे दो आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स हैं होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता लाता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेरेसोल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अपहरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बताते हैं कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपनी मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसॉल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के तकड़ी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका अवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दिया। लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया। वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुनूनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्टेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय टेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई के ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने माँ से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्लेस को टकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहाँ आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप के एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत पर आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया। आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है अगर वो माफ़ी मांगेगा। आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू के में एक डरपति की बेटी की शादी के मरफन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है। अरबपति इसलिए आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है। हालांकि गौरव बच जाता है। छोड़ छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसका भूमिका होती है। आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा शाह करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, रितु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुमिया बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथिप अफरोज मुंदर के रूप में, नील फकशोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्यर लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर क्षेत्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी जैक्सन क्लास के नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पूर्व सुपरहिट की। ये भविष्य मालविक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमरीका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमियत पर जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए। उदाहरण के लिए फारूक जो आवारा की तरह रहता है कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। स्लच अपने नाटक के सीधे भीजे व्याप्त है और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता का बहुत आगे जाती है भगाओ। ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है। सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोसकर आज़ादी नहीं दी। स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एस के एक ऐसे शख्स है होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे बहू से एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बताते हैं कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोष के तनकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नडाज रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए इसे एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्य प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की की कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बता रही है कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली। जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है, संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन के ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देती है क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उसे आम आदमी के मौल का पता चला जाएगा। उसका हवाला काम उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले हैं और अनु गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को सतर्क करती है और एक लड़की की कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति समझदार नहीं बनता है। इंडिया टीवी के देवदशिया पांडे 2.5 की 5 स्टार दी और लंबा सिनेमेटोग्राफी और संगीत ताज़ा खबर की दुनिया के आकर्षित बनाने के बहुत मदद करती है। संवाद नाटक आश्वस्त बनने वाला लेकिन कुछ ही असाधारण नहीं है। द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक धवराज ने लिखा, ताज़ा खबर शुरुआत में वादा दिखाया वो बेम के यूट्यूब छवि को नहीं दिखाया है बल्कि उसे एक अभिनेता के रूप में चित्रित करने के बजाय उन्हें नायक के रूप में पेश करने के उल्लेख जाता है। गौरव चंदना लंबी के रहने वाले बड़े सुपरस्टार आर्य खन्ना के कट्टर और जुमनी प्रशंसक वो नेहा उसके दोस्त और कॉल स्ट्रेटर के काम करने वाली पड़ोसी में से प्यार करता है। गौरव को चेहरे से एक अनोखा समीक्षा लगता है जो उसे उनका रूप से धारण करने के स्थानीय ट्रेलर्स के जीवन में मदद करता है। अपने माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वो आर्यन से मिलने के लिए मुंबई की ट्रेन यात्रा पर निकल जाता है। उसे अपने माँ से जानी हुई ट्रॉफी भेंट करता है। जब एक साथी अभिनेता शीर कपूर आर्यन के बारे में प्रेस को ठुकरोर अपनाओं को बैक करता है तो एक गौरव उसे पीटता है और आर्यन से माफ़ी मांगने के इसे रिकॉर्ड करता है। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां आर्यन उसे देखता है और गौरव को गिरफ्तार करवाया जाता है। गौरव को तेज को बीमारियों के पीटा जाता है जहां आर्यन गुस्से से उसे फटकार लगाता है, यह घोषणा करते हुए कि गौरव उसका प्रशंसक नहीं है और उसके गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव आर्यन से 5 मिनट का समय मांगते हैं जिस पर आर्यन फैन को 5 सेकंड भी देकर झुल जाते तैयार हो जाता है। गौरव पर लौटता है और अपने प्रशंसकों को दूर करने के लिए आर्यन के खिलाफ बदला लेने की कसम खाते हुए आर्यन के सभी यादगार सामान को जला देते हैं। 1 साल बाद लंदन में गौरव और उनके प्रतिरूप के एक और जानबूझकर भाई है जिसके कारण आर्यन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। नथ पर रिहा आर्यन को गौरव का फोन आता है जो कहता है कि उसने क्या किया और आर्यन को परेशान करना बंद करने की पेशकश करता है। अगर वो माफ़ी मांगेगा आर्यन मना कर देता है। गौरव आर्यन को शो को क्रू मेंबर के रूप में खुद को बदल देता है। आर्यन कौशक की डब्ल्यू में एक डर और पति की बेटी की शादी के मुड़फन करने वाली है। डांस शो करने के बाद अपने आर्यन को साड़ी संदेश के साथ एक कार्ड मिलता है और पता चलता है कि गौरव पास में। इसी बीच गौरव आर्यन मानकर एक महिला बहन का आपके साथ छेड़छाड़ करता है और पति असली आर्यन को डांटता है और उसे कार्यक्रम से जाने के लिए कहता है। बाहर आर्यन गौरव को देखता है और उसे पीछा करता है, हालांकि गौरव बच जाता है। छाड़ के घटनाओं को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका भूमिका होती है आर्यन के शो का बहिष्कार होता है। कारनामा ईशा आशा करता है और उसके साथ एक संबंध महसूस करते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए। अचंत आनंद और सूरज आहूजा के रूप में, गरिमा आहूजा के रूप में, रितु त्रिपुरी तुरंत कलाकार कलरा के रूप में, कबीर सनानंद जामिनी कलरा के रूप में, कृष्णा सुम्या बदना माधवी के रूप में, रत्नावली चटर्जी देवेना मगना के रूप में, केतन सिंह शुभ मुंजर के रूप में, शालीन तलिथी अफरोज मंदर के रूप में, नील फक्सोर मागू कुमार वाल्मीकि के रूप में, विजय श्रीवास्तव संगीत गुजराल के रूप में, रूबेन इजराइल सुलेखा गुजराल के रूप में, चिकित्सा गुलाटी विरल गुप्ता आर्य और लबरार के रूप में, आशीर्वादी बाही के रूप में, बस इंस्पेक्टर पड़ताल के रूप में, विजय गरोड़ा उसके तिधोरी के रूप में, निजर चित्रपाल प्रयास दास के रूप में, रोहित खुराना मन्ना के रूप में, रोहित सिंह डमरूल के रूप में, डी सेक्शन क्लास के नेटफ्लिक्स रीनिंग टॉप 10 टीवी शो द इन इंडिया टुडे सूची ने नंबर 1 पूर्व सुपरहिट के ये भविष्य मलबिक मॉरिशस ओमान पाकिस्तान कतर संयुक्त अरब अमेरिका और श्रीलंका की शर्त 10 टीवी शो सूची में 10 में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में नंबर 1 पर भी शूट किया गया था। अहमियत पर जवाब इंडियन एक्सप्रेस के लिए उन्होंने 5 में से 4 सितारे दिए रेट किया और ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हम राजधानी के इस संस्करण को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं के लिए। उदाहरण के लिए फारूक, जो आवारा की तरह रहता है, कैफे में सेट कर जाता है और दृश्यों में डोरी जैसा एक अक्सर हास्यास्पद होता है। क्लच अपने नाटक के सीधे नतीजे घुमाते हैं और ये एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्मजागरूकता का बहुत आगे जाती है। भगाओ ये समूह कोई योजनाओं में गुण रखता है, सभी एक नारे के साथ एकजुट होने की एक स्वतंत्रता। भारत राजू अंग्रेजों में भारत को गांधी की थैली में परोसकर आज़ादी नहीं दी, स्वतंत्रता एक लंबी और खूनी लड़ाई का परिणाम है। क्रांति कहानी के कैसे 2 आदमियों ये युद्ध के सैनिक बने हैं। फ्लस्ट अधूरे लग रहे थे गोसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है मिसेस अंडरकवर और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस अंडरकवर श्रीमती मेहता द्वारा निर्देशित और अबीर सेनगुप्ता, अनुश्री मेहता, वरुण बजाज, ईशान सक्सेना और सुनील शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमीत व्यास और राजेश शर्मा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का प्रीमियर 14 अप्रैल 2023 को G5 पर हुआ। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे शख्स है होने हैं जो खुद को द कॉमन मैन कहता है और एक खूबसूरत लड़की को डेट करता है। हालांकि उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक नुकसानसान जगह पर ले जाता है और रहमती से उसका हत्या कर देता है। उसके हत्या करने के पहले वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बता देता है जहां वो बताते हैं कि कैसे उसे एक वकील के रूप में अपने मुकविल के पति के लिए सजा मिली, जैसे वो समाचार चैनल पर प्रसारित करता है। संगीला के विशेष बल की एक टीवी कॉमिक मैन की ट्रैक मर रही है जो एक सीरियल किलर है जो मजबूत और स्वतंत्र फेरेसॉल महिलाओं के निशाना बनाता है। आम आदमी के पास दिन में सफ़ेद पोस्ट के नौकरी के होने के बाद वो अपनी मां के साथ रहता है। अपने पास एक टीम में है जो विशेष बल के पर नज़र रखती है। ये उनके अंतिम एजेंट के लिए एक कम मर देती है। बड़ी मुश्किल से रंगीला एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता लगाती है जो एक गृहिणी है, अभी भी अपने काम से अनाड़ी होता है। अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है। उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आदमी को बचपन का उजागर करने के लिए मना लेते हैं। दुर्गा छोटे मोटे तौर पर मना कर देते क्योंकि 13 साल हो गए हैं और उसका आवरण अब उसके जीवन में अवास्तविक बन गए हैं। दृढ़ता के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेते हैं। वो एक पुनश्चर्या से प्रशिक्षण का अनुरोध करती है लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि उससे उसे आम आदमी के मॉल का पता चला जाएगा। उसका हमला का उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में एक बैंकेट के आदान प्रदान करेगा। दुर्गा तेज दिमाग वाले है और गुप्ता काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को संतुलित करती है और एक लड़की की कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्तित्व को ट्रैक करती है। इस बीच दुर्गा की मुलाकात आयशा नाम की एक महिला के होती है जिसने बगल में एक मकान किराए पर लिया है। अगली दुर्गा को उसी कॉलेज में एक कोर्स सौंपा गया है। उसका पति